तो चलो यार, हम आ गए अपने बाइक के पास और मेरे साथ में राजा, राजा भी जा रहा है और हम लोग जो जा रहे हैं वो बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि यार राजा ने नई बाइक ली है ना, कितने महीने हो गए, 2 महीने तो हो गए, और आज पहली बार इसके नए बाइक पे कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। चलो बाइक करो। लेकिन आज ये रोड पे उतनी ज़्यादा क्राउड है नहीं, और तो मुझे लग रहा है इतना जाम भी नहीं लगेगा जहाँ हम जा रहे हैं और जिस साइड हम जा रहे हैं। वैसे तो मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं होगा ना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। चलो, आज यार छुट्टी के कारण ना रोड पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, पूरा मतलब रोड खाली खाली सा है। यार ये जो टोपी वाला हेलमेट है ना, ये तो पूरा बाल का सेटिंग ही खराब कर दे रहा है, और ये बार बार इतना ढीला है ना, कभी बार तो उड़ जा रहा है, हवा में उड़ रहा है। और जिस रूट से यार हम लोग जा रहे हैं ना, इसमें तो एक भी ट्रैफिक भी नहीं मिला है अभी तक। लगभग हम लोग 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी रेड लाइट हमें नहीं मिला है। इस टावर के हम ना काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और इसको हम बहुत ही करीब जाके देखने वाले हैं। पहला रेड लाइट हमें मिला है, मतलब 4-5 किलोमीटर आने के बाद ये पहला रेड लाइट हमें मिला है, जो कि ज़्यादा नहीं 15 सेकेंड का है। तो यार हम लोग आ गए, पहले बाइक की पार्किंग लगाने जा रहे हैं इसके अंदर। तो यार पूरा अंधेरा है ये पार्किंग में, तो हमारी बाइक की पार्किंग कहाँ हो रही है यार, पूरा अंधेरा है। यहाँ पे काफ़ी सारे बाइक भी है पार्किंग में लगे हुए, लेकिन यार एक बात है, अभी मेरे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आया पब्लिक के सामने ब्लॉग बनाने का, क्योंकि जब अकेला होता ना तब तो बोल लेता, और अब जैसे पब्लिक में जा रहा हूँ ना धीरे धीरे, तो डर सा लग रहा है कैसे बोलूँगा नहीं बोलूँगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस अभी मेरे पास नहीं आया है। चलो आ जाओ। चलो, बाइक पार्किंग करने का यार हमसे 20 रुपये लिया गया, तो मतलब जब भी आप इधर आओगे ना तो 20 रुपये तो लगेंगे। स्लिप भी गिर रही है। और ये देखो इसका व्यू कैसा है, बाहर का व्यू मैं कितनी ऊंचाई ऊंचाई पर। तो अभी यार हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाने के लिए अभी राजा जो है यहाँ पे टिकट ले रहा है, और टिकट जो है एडल्ट 20 रुपया, चाइल्ड 10 रुपया। तो हम किस में आते हैं यार, बच्चे में? हम तो एडल्ट में आते हैं, 20 रुपये लगेंगे। पूरा भाई टेस्टिंग बोर्ड के साथ अंदर आने देते हैं, चेकिंग वेकिंग पूरा करके फिर आप अंदर एंट्री दो, वैसे नहीं है यार। बाहर का सीन देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर सिर्फ गिने चुने लोग हैं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुँचा तो यहाँ पर तो सिर्फ मुझे रील्स क्रिएटर ही मिला। इस टीवी टावर को देखने के लिए हम 6 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ तक आए हैं, और यहाँ पे यार जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सब अपना रील बना रहे, देखो हर जगह ही सब रील बना रहे हैं। यार मैं सही बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था, इतना ज़्यादा डर गया था कि आप मेरे चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो सीधा 100% पर आ गया था। मतलब यार पब्लिक को देखकर ना मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो सीधा 0 हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है, कैसे वीडियो बनाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके चारों साइड सिर्फ शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं, जितने भी बना रहे हैं ना सब शॉर्ट वीडियो सारे रील्स पे बना रहे हैं। ये देखो इधर भी रील्स वीडियो बन रहे हैं, इधर भी पूरे भरे हुए हैं, हर जगह सब भरे हुए हैं। लोकेशन तो यार मैंने आपको बताया दिया, दिल्ली हाट पीतमपुरा में ये है, और मेन जो है ना ये इस टावर के कारण लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ इसको भी देखते हैं। अब यार हम लोगों ने भी घूम लिया, और अब मैं सोच रहा हूँ ना शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यार सारे को शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो यार मुझे भी रहा नहीं जा रहा है, तो मैं भी अब शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा और मेरा वीडियो शूट करेगा राजा, है ना, क्योंकि यार यहाँ पर जितने भी है ना सारे शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं, और सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो यूट्यूब पर ब्लॉग बना रहा हूँ, बाकी आप जहाँ भी देखोगे ना सारे के सारे शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं। तो चलो अब मैं भी थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, देख रहे हो सारे लगे हुए हैं, तो अब हमारी बारी, अब हम भी थोड़ा लगते हैं, ठीक है। तो यार जितनी भी शॉर्ट वीडियो और बनानी थी ना वो तो हमने बना लिया, और अभी हमारे साथ राजा भी है, और यार यहाँ पे मैंने देखा ना जितने भी आए हैं ना सब के सब शॉर्ट वीडियो बनाने ही आए हैं, क्योंकि यदि मैं दिखाऊँ तो देखो सब, ये देखो हर जगह मेरे पीछे भी बैकग्राउंड में जितने भी हैं सारे के सारे शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, इधर बच्चे बुच्चे जितने भी हैं सब शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, उधर रहा वो बड़ा सा टावर। और यार मैं सही बताऊँ अकेले में तो मैं बहुत ही ज़्यादा यार बड़बड़ाता रहता हूँ कैमरे के सामने, लेकिन यहाँ पे जैसे पब्लिक के सामने आता हूँ ना कॉन्फिडेंस गायब, क्या बोलना है नहीं बोलना है, मतलब कुछ भी नहीं, 0, बिल्कुल 0। तो यार हम लोगों का
तो घूमना हो चुका है, अब शाम भी हो गया क्योंकि धूप भी पूरी जा चुकी है और अभी हम जो है बाहर आ गए हैं। और जो यहाँ का बाहर का सीन है ना, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। जैसे यार हम लोग घूम के वहाँ से बाहर निकले ना, और बाहर निकलते ही हमारे जो पीछे में जो है वो डीजे बजना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा नाच गान करके ही जाएं। तो देर किस बात की, चलो थोड़ा बहुत नाच लेते हैं। नाचने के लिए परेशान है क्योंकि डीजे बंद हो गया है। दो आदमी है तो 40 नहीं दूंगा, चलेगा चलेगा, शांत रहो, चलेगा, अभी चलेगा, सब चलेगा। दो गाने पे यार मैंने फुल नाचा और अभी मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे लड़के सारे नाचते थे और यहाँ से हमारी एग्जिट गेट है। बहुत मजा आया ना कुंदन जी? बहुत मजा आया, लेकिन थक गया हूँ, दो गाने पे पूरा नाचा हूँ। हैं, दो गाने पे कौन कौन से? दोनों गाना हिंदी था और मज़ा तो बहुत आया। ये हमारी पार्किंग आ गई, यहाँ से हम बाइक निकालेंगे। तो बाइक भी यहाँ पे लग गया है, बैठो। और यार सही बताऊँ तो इतना इंजॉय, मतलब 40 रुपये में इतना इंजॉय, 20 रुपये का एक टिकट, मज़ा ही आ गया। लेकिन मैं यार कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ क्योंकि बहुत नाचा यार, बहुत नाचा, पूरा यार जाम ही होगा। यहाँ पे हमारी बाइक वाइक लग गई है और हम चलते हैं घर।